as a active participant also and as an inactive participant also. Would you be interested? So I was like, yes, I would be interested. So I started digging into it. Because jab tak Azma Orange mein thi, wo thoda individually sochti bhi thi. Jab se Blue mein aa gayi, to wo bhi Faruqi ki follower ban gayi. Hi, Vinish. Shweta, you're from RWM Buzz. Big congratulations for the lockup. आपने कितना enjoy किया अपने lockup की journey को, कितना आपने happily live किया उस पल को? देखिए, मैंने इस format को बहुत enjoy किया क्योंकि ये बड़ा ही unique format, you know, unlike a conventional reality show. This had a unique concept, unique format. So I thoroughly enjoyed my stay. As an active participant also and as an inactive participant also. So I thoroughly enjoyed. When you went to the house, there were a lot of contestants who were shocked. And also, when you outed Karanveer, उस बात को भी लेकर ऑडियंस काफी ही नाराज हो गई थी, तो क्या बोलना चाहोगे? आपने एक बड़ा नो प्ले कार्ड किया उस समय जहां आपने एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को इविक कर दिया था। देखिए, जब मुझे लॉकअप से कॉल आया था तो उसके बाद मैंने लॉकअप को ध्यान से देखना शुरू किया। मुझे 3-4 दिन पहले ही कॉल आया था कि आप वुड यू बी इंटरेस्टेड, तो आई वाज लाइक यस आई वुड बी इंटरेस्टेड। मैंने डिग करना शुरू किया इसके बारे में एंड आई रियलाइज कि दिख तो सब रहे थे लेकिन नाम सिर्फ दो सुनाई दे रहे थे, फारूकी और बोरा। तो आई एम नॉट द वन जो नो पानी के लय के साथ तैरता रहेगा, लाइक यू नो वो द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो आई वाज वेरी क्लियर कि मैं अंदर जाऊंगा, सो आई हैव टू गेट दिस टू पीपल आउट, नोइंग द फैक्ट कि बोथ ऑफ देम दे हैव अ ह्यूज फॉलोइंग बेस। लेकिन लेट अस गो एज पर द मेरिट, जो अच्छा खेल गया वो खेल गया। yes. तो I had these two prime targets. I was successful to get Bora out on my second day in the locker. जब उसको आप वापस लेके आई गए हो तो फिर मैं क्या बोलूँ? पर आपके लिए कितना shocking था Bora को फिर से देखकर? Because shocking is an understatement. It was killing. Yeah. आप Bora को तो लाए लाए, साथ में आप Saisha को भी ले आए। Yes. मतलब it was, you know, out in public that Saisha loves Faruqi. Yes. And Bora and Bora Faruqi cried when I got Bora out of the show. Everybody was crying. Yes. So jab aap un log ko hi aap leke aa gaye ho, matlab it was, you know, quite evident ki bhaiya tumhari ulti ginti chalu ho gayi hai, because sab dekh dekh ke aaye na main kya kar raha tha kya nahi kar raha tha. जी, घर में दो ग्रुप बन चुके हैं, लॉकअप के घर में दो ग्रुप बन चुके हैं, आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में, जहां कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन कई सारे बीचिंग होते हुए नजर आ रही है? ब्लू टीम के इटसेल्फ नाउ इज अ ब्रेकआउट, जहां अब पूनम मुनावर से दुश्मनी ले रही है। ये सबको मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा। या ये सबको बोलना चाहूंगा, हैप्पी रियलाइजेशन फाइनली। या तो लेकिन अच्छा है जब आप खुले तभी सवेरा समझो। जी, यही तो मैं पहले दिन से कर रहा था। मैंने पहले दिन सबको क्लियरली बोल दिया था, दिख तो सब रहे हो लेकिन नाम एक दो ही सुनाई दे रहे हैं बाहर, अभी इससे ज्यादा डायरेक्ट में क्या बोलूं? जी। लेकिन उसके बाद भी तुम लोग ने ब्लाइंडली एक आदमी को फॉलो करने का सोच ही लिया है, तो भगवान ही तुम्हारी हेल्प करेगा और भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है। जी। चलो, देर आए लेकिन दुरुस्त है। अब भी अगर अपना अपना गेम आप लोग नहीं खेलोगे खुद से, तो एक बंदा जिसको आप लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, वो आप लोग को अपना मतलब सिद्ध कर करके एक एक करके कन्वीनियंटली बाहर निकालेगा और बाद में आके बोलेगा सॉरी, जो फारूकी की स्टाइल है। अभी अभी भी नहीं आँख खुलेगी तो फिर तो जब तक आँख खुलेगी सबके पैकअप हो चुका रहेगा। एंड आपने अगर नोटिस किया रहेगा तो मैं कभी फारूकी का फॉलोवर नहीं बना, दैट इज व्हाई ही हैड अ आई वाज हिज ह्यूज थ्रेट। हाँ, बिकॉज मेरे अलायंसेस नहीं थे एंड ऑल, सो यही मेरे अलायंसेज होते, मैं शुरू से लॉकअप में गया होता तो आज बात कुछ और होती, आज मैं आपका इंटरव्यू नहीं कर रहा होता, कोई और कर रहा हूँ। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फारूकी इधर बैठा हो। आजमा ने आपका नाम नहीं आता जब उससे सवाल पूछा गया था कि कौन एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो, जो तीन कंटेस्टेंट नाम पूछे थे जो फ्री की रोटी खा रहा है, तो उसमें उसने आपका नाम लिया था, तो आप उस पे क्या बोलना चाहोगे? आजमा ने जिस तरह से आपका नाम लिया था, आजमा इज अ वेरी स्वीट गर्ल, उसको तो आई एम फॉन्ड ऑफ हर और
जब भी था एंड आफ्टर द शो आल्सो आई विल बी फॉन्ड ऑफ हर। अभी ये देखिए, लेकिन आजमा के जो जवाब हैं, आजमा के जवाब उसके हिसाब से हैं, उसके आईक्यू लेवल के हिसाब से हैं, उसकी समझ के हिसाब से, तो मैं उधर तो जाकर उससे बात नहीं कर सकता। अगर आप किसको बोल रहे हैं मुट्ठ की रोटी तोड़ना, तो मैं इस पे क्या रिएक्ट करूं? आई एम द वन जिसने शुरुआत में दो दो टास्क किए थे कैलोरी बर्निंग बैक टू बैक। आई एम द वन जिसने चटनी पीसी थी, देखिए हाथ में छाले तक आ गए और जिताया था। आई एम द वन जिसने 3 रिंग्स फेंके थे, शिवम ने सिर्फ 2 फेंके थे। आई एम द वन जो रिंग अरीना में हार गया था 1-2, लेकिन साइशा के मैं था। ये सब में आजमा कहाँ थी? तो यू नो, अभी बोलते हैं ना कि अभी मैं भैंस के आगे बीन तो बजाऊंगा नहीं, इतना तो सबने देखा हुआ है। आजमा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है? बस खाली इसका टूथपेस्ट उठा के उसका क्रीम फेंक दिया, उसका क्रीम, ये सब उसको बोल सकता था, लेकिन यू नो वो बड़ा डिपेंडिंग साउंड करता है, यू नो कि ओ नो नो, स्पेशली व्हेन आई नो कि स्पेशली अरीना हारने के बाद जब मैं बॉटम पे चला ही गया, तो मेरे को एक ही चीज जीता सकती थी, रख सकती थी, मुझे हर अरीना हर टास्क जीतना पड़ेगा। जब मैं बैठने से हार गया था, तो मैं मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड कि यू नो आई मे गेट एविक्टेड कमिंग जजमेंट डे। इसलिए मैंने यू नो किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी इस बात की, मैं खाली हंस रहा था, बोला था कि तुम लोग को समझ में कब आएगा, बिकॉज जब तक आजमा ऑरेंज में थी वो थोड़ा इंडिविजुअली सोचती भी थी, जब से ब्लू में आ गई तो वो भी फारूकी की फॉलोवर बन गई। फारूकी और अंजलि उसको देते ग्लास रखे या तो ग्लास रखे आती थी, पानी लेके आ तो पानी लेके आती थी। तो मैं क्या बोलूं, अभी मैं उसके लेवल पे जाके उससे बात करूं? सो दैट इज व्हाई मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी उसी को, नहीं जिस किसी ने भी कुछ भी बोला, मैंने उस चीज को तुल दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या करने गया था। मैं इस तरफ हो सकता हूँ या इस तरफ, बीच में नहीं रह सकता। तो या तो आई क्रिएट एन इम्पैक्ट या तो आई एम आउट ऑफ इट। मैं किसी का फॉलोअर बन के, किसी की चमचागिरी करके, कहना मान के, उसको अपना बाप बना के आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा तरीका ही नहीं है। So, जब पायल के साथ आप टॉप 2 में खड़े थे, तो क्या आपको फीलिंग था? क्या आपको पहले से लग रहा था कि मैं और पायल एक साथ खड़े एविक्शन के समय, तो मुझे ही सिलेक्ट किया जाएगा? 100% मेरे को वेडनेसडे से मालूम था ये बात, जब मैं अरीना हारा था मुझे वेडनेसडे से बात पता चल गई थी, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया था, इसलिए आई वाज नॉट टेकन अबैक और आई वाज शॉक्ड। आपने देखा होगा मैं ऐसा जरा भी नहीं हूं, ओ नो ओ यस, सबने मुझे इंसिस्ट कर रहे थे। जब कंगना ने मुझे सीक्रेट से भी हटाया तो सब इंसिस्ट कर रहे थे, जब कंगना दैट टाइम शी वाज नॉट ऑन स्क्रीन बट वी वर देयर, सब जीशान स्पेशली, मतलब नहीं बॉस I don't think so, it's worth it, because अगर मैं ये भी खींच भी लूंगा, you know, very tough, because देखिए अब जब मैं निकला हूं तो सब में आपस में मुठभेड़ होना शुरू हुई है। जी। जब तक मैं था तो I was the easiest target, मेरी खुद की टीम मेरे से डरी हुई थी और सामने वाली टीम में बोरा आ गया था, तो वो भी लेके आया था लेवल करने के लिए मेरे साथ। Yeah. So, I did not have accepting Zeeshan, मेरे पास ऐसा कोई था नहीं अलायंस। जैसा मैंने कहा मुझे हर बार जीतना ही पड़ता, वो प्रैक्टिकल नहीं है। So I was mentally prepared from Wednesday night. So Vinit, who is the 2 strongest contestants in the lockup house? सब में कुछ ना कुछ तो बात है, तो उन लोग टिके हुए हैं, लेकिन if you ask me, जो मुझे लगता है ये लोग पहले सीजन का लॉकअप ट्रॉफी उठाएंगे वो या तो अंजलि हो सकती है या जीशान। ओके, और कौन 2 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो ओवरशैडो खेल रहे हैं? मतलब वो ओवरशैडो हो गए जो किसी के दूसरे के सहारे लेकर चल रहे हैं? पूनम है और ऐसे तो बहुत सारे हैं, पूनम है, आजमा है, शिवम है, ऐसे हैं, मतलब जो किसी, पहले शिवम फारूकी की सुनता था, अभी वो बोरा की सुन रहा है। आजमा करती क्या, अभी आजमा का आप गेम देखोगे टास्क में तुम हो नहीं, तुमने सिर्फ मंदना को बे मतलब का एक ही चीज से बोर कर रही हो, ये मोशन लूज मोशन ये कर करके तुम बोरिंग एवरीवन, वही क्रीम फेंक देना, अदरवाइज तुम ऑर्डर्स ले रही हो, जो टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अंजलि फारूकी, ये लेके आ वो लेके आ, उसका नहीं ऑर्डर तो उसके अंदर शिवम जो तुम्हारा पहले का दोस्त है तुम उसके ऑर्डर्स ले रही हो, उसका कहना मान रही हो और जो जैसा बोल रहा है तुम वैसा ऑपरेट हो रही हो। So we need one message for the audience who are eagerly waiting to see you back on a TV. Okay, I would like to say ki keep loving. I'm sorry if I've disappointed you guys. लेकिन आप सब जानते हैं कि मैं 5वें वीक में गया हूँ, मैंने क्या किया है, कैसा किया, और जब मैं inactive हो गया तो क्यों हो गया,
तो आई होप अगर मेरे गेम से किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट, बट यस ऑफ कोर्स इट्स नॉट एंड ऑफ एवरीथिंग, अंत ही आरंभ है और अंत ही प्रारंभ है, सो आई विल बी बैक सून. Thank you so much, Vinny, for giving a precious time, and all the best for the upcoming projects. Thank you so much. Thank you. Bye.